दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी खबर आ गई है एमयू क्लास 11 के लिए। दोस्तों और भी क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन क्लास 11 का एक्सक्लूसिव स्पेशल वीडियो है। एमयू में क्लास 11 में कम से कम 35,000 से भी ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं। उसका रिजल्ट के लिए इतने जितने भी टेस्ट दिए हैं बच्चे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीच में आपका जब टेस्ट हुआ था उसके बाद आंसर की आई थी, तो आंसर की आने के बाद क्या हुआ था कि आपको आंसर की चैलेंज करने का ऑप्शन दिया गया था, बच्चे चैलेंज भी किए थे। अब जाके रिजल्ट आया है कि कौन सा आंसर की सही है, कौन सा आंसर की गलत है। तो देखिए, साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो आंसर डिस्प्ले था बी, क्वेश्चन बुकलेट ए सीरीज का 15वां क्वेश्चन, सीरीज बी का 65 नंबर का क्वेश्चन आंसर बी डिस्प्ले था, लेकिन करेक्ट आंसर होगा डी। तो दोस्तों देखिए, आप लोग कंप्लेन करते हैं, क्लेम करते हैं, उससे कुछ ना कुछ फायदा ही होता है, इसीलिए इन्फॉर्म नागरिक बनना जरूरी है और सिस्टम से सवाल करना भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ क्लास 11 के आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो जितनी भी कंप्लेन की गई थी, जो डिस्प्ले की गई थी, उसमें कोई करेक्शंस नहीं है। यानी जो भी क्लेम किया गया था क्वेश्चन सीरीज का आंसर की, वो जो पहले था वही है। यानी 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो आंसर की डिस्प्ले है वो सेम है, लेकिन साइंस में एक करेक्शंस है। जो 65 नंबर बी सीरीज का बी था वो डी है, सीरीज ए का 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बी था वो डी है। अब ये दिखाने से क्या आपको फायदा होगा, देखिए फायदा ये है कि एमयू क्लास 11 का रिजल्ट जो है अब आना शुरू हो जाएगा। यानी पहले आंसर की आता है, आंसर की को चैलेंज किया जाता है, चैलेंज होके ये आ गया है, प्रूफ की चैलेंज हो चुका है, अब आपके रिजल्ट तैयारी की जाएगी। अब इस आंसर की को मद्देनजर रखते हुए, इस आंसर की का करेक्ट करते हुए आपके रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ सेल्फ फाइनेंस का भी फॉर्म के बारे में बता रहा हूं। तो मोटा मोटी समझ लीजिए, एमयू के बहुत सारे कोर्सेज के अभी रिजल्ट आना बचा हुआ है, बहुत सारे कोर्सेज का ना एमयू और जामिया में भी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन जून जो अभी चल रहा है इसमें देखेंगे, जैसे मिड जून के बाद दिन आएंगे यानी 15 जून के बाद, इसमें धड़ल्ले से सब क्लासेस का जामिया का अलीगढ़ का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट जब आ जाएगा तब आपके काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, फिर फॉर्म लिस्ट 1 आएगी, लिस्ट 2 आएगी, लिस्ट 3 आएगी, लिस्ट 4 आएगी। तो पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है दूसरी लिस्ट में आपका हो जाए। तो क्लास 11 का रिजल्ट का ये आगाज हो चुका है, आंसर की फाइनलाइज हो चुका है, आंसर की फाइनलाइज करने के बाद अब रिजल्ट प्रिपेयर होगा और मिड जून के बाद आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। और सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल है कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आएगा। हमेशा वीडियोस के कमेंट्स में मिलते हैं कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट फाइनल आने के बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और उसी दौरान जब काउंसलिंग शुरू हो जाती है उसी दौरान सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म निकलता है। तो सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म बहुत सारे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बच्चे, और मैं समझ सकता हूं इंतजार की घड़ियां चलती नहीं है, लेकिन ये बता दिया कि जब आपका 11 का रिजल्ट आ जाएगा, आने के बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके सेल्फ फाइनेंस का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।